क्या घटना घटी, क्या हुआ, कितने लोग गोली लगी है? देखिए दो लोग को जानकारी हुई है कि गोली लगा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बगल में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल लेकर जहाँ हम भी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ एक लोग को सीना में लगा है, एक को मुंह में लगा है। लोगों ने बताया है कि यहाँ किताब के जो दुकानदार हैं, मालिक हैं, वो दुकान में बैठे हुए थे, व्यवसाय अपना कर रहे थे। उसी दौरान एक ग्राहक भी था वहाँ पे, किसी ने मोटरसाइकिल से आया और किसी ने गोली मारकर चले गए। गोली की तीन आवाज़ें आई हैं जिसमें तीनों खोखा भी प्रशासन ने उठाने का काम किया है। और मामला एक स्थानीय यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं जिनका नाम छत्रभुज है, सोनू पिता का नाम नहीं मालूम, माँ के साथ रहते थे, वो बिहार से लेकर आने वाले हैं जैसा जानकारी है। और एक और जन अन्य है जिनका नाम हम नहीं बता पाए, तो अभी मामला एन एम क्षेत्र में लोग हम लोगों ने भिजवाया है। अब देखिए इसके बाद क्या होती है। क्या लगता है, लगातार अपराध हो रहा है पटना सिटी में, एक महीना में कई हत्याएं हुई है, इसको किस दिन आप लोग लेंगे? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सुशील कुमार मोदी ने अपराधियों से आग्रह करने का काम किया है कि भाई 15 दिन 47 की गोली ना चले। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरह से विफल है लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में, सरकार पूरी तरह से भयभीत है। पूरे बिहार में 47 की गोली की आवाज दहाड़ रही है और लोग, बिहार की जनता दहशत में भयभीत है और आने वाले दिनों में इनका धजिया उड़ेगी। सरकार की आयल है, हम लोग मामले की विशेष छानबीन कर रहे हैं, कुछ पारिवारिक विवाद सामने आ रहे हैं, पारिवारिक विवाद के कारण ये घटनाएं हो रही है। ये दो लोग कौन हो गए? एक गणेश नाम है और दूसरा क्रिकेट का नाम है। हम लोग और विशेष छानबीन कर रहे हैं। क्या चल रहा है सर, कौन लोग हो क्या? अभी हम लोग पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है, हम लोग उस पर विशेष छानबीन कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं।